नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा मेहता और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मातृभूमि, जिसमें आज हम बात करेंगे उर्दू भाषा की और समझेंगे कि कहां से हुई थी इसकी उत्पत्ति और भारत में उर्दू के विकास की कहानी क्या है। भारत में कहावत बहुत प्रचलित है, भाषाओं को लेकर कहा जाता है कि अगर हिंदी हमारी माँ है तो उर्दू हमारी मौसी है। इसका मतलब साफ है कि भारत में भाषाओं को बहुत महत्व दिया जाता है और उसमें भी उर्दू का महत्व किस प्रकार से है। भाषा विज्ञान की माने तो हिंदी और उर्दू में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। नस्तलिफ लिपि में लिखी गई हिंदी भाषा है जिसको उर्दू कहा जाता है। उर्दू को हिंद आर्य भाषा भी कहते हैं, जिसका अपना कोई स्वतंत्र व्याकरण नहीं है। जानकार बताते हैं कि उर्दू में संस्कृत के तत्सम शब्द कम हैं, जबकि अरबी, फारसी और संस्कृत के तद्भव शब्द अधिक हैं। उर्दू की लिपि फारसी से ली गई है और जहां हिंदी साहित्य सहित अन्य भाषाएं लेखन के लिए बाएं से दाएं चलते हैं, वहीं उर्दू इसके विपरीत दाएं से बाएं चलती है। उर्दू में अरबी फारसी शब्द का ज़्यादा बोलबाला दिखाई देता है, तो वहीं हिंदी में संस्कृत के शब्द अधिक प्रयोग में आते हैं। उर्दू हिंदुस्तानी भाषा का एक ऐसा रूप है जिसे भारत और पाकिस्तान द्वारा अपनाया गया है। उर्दू भाषा को जानने के लिए हमें इतिहास के पन्नों को टटोलना होगा। उर्दू भाषा की मधुरता कर्णप्रिय लगती है, इसे तहजीब और तमीज़ की भाषा भी कहते हैं। उर्दू भाषा तो आकर्षक है लेकिन जटिल भी है। जानकारी के मुताबिक उर्दू भाषा का विकास सिंध में मुस्लिम शासकों के साथ ही शुरू हुआ। इसके बाद जब दिल्ली सल्तनत पर मुस्लिम तथा मुगल शासकों का कब्जा हुआ, तब उर्दू का विकास अपने चरम पर गया। शुरुआत में मुस्लिम राजाओं ने फारसी को अपनी भाषा बनाया। भारतीय भाषाओं में इसका मिलन हुआ, जिसके बाद उर्दू सामने आई। उर्दू में अरबी भाषा का भी अंश दिखाई देता है। उर्दू के लिए 18वीं और 19वीं शताब्दी स्वर्ण काल जैसी रही। इस दौरान उर्दू में धार्मिक गद्य और धर्मनिरपेक्ष लेखन में बहुत निखार देखा गया। इतिहास के पन्नों में इस बात का भी जिक्र है कि 13वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी के अंत तक आज की उर्दू भाषा को हिंदी, हिंदवी या हिंदुस्तानी के नाम से जाना जाता था। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि उर्दू की उत्पत्ति ब्रज भाषा से भी हुई है। मुगल काल के दौरान लिखी गई किताबों में भी उर्दू का बोलबाला देखने को मिला है। अमीर खुसरो और ख्वाजा मोहम्मद हुसैनी द्वारा उर्दू साहित्य का प्राचीन विकास देखने को मिलता है। औरंगजेब के शासन के अंत में ज़बाने उर्दू कहा जाने लगा। औपनिवेशिक शासन के दौरान उर्दू को भारत में बढ़ावा दिया गया, जहां अंग्रेजों ने इसे हिंदुस्तानी कहा। उच्च वर्गों के द्वारा इसे आधिकारिक उद्देश्यों के लिए लिखा गया और बोला भी गया। सूफी आंदोलन के दौरान भी उर्दू के विकास में मदद मिली। सूफी संतों ने हिंदी को फारसी से जोड़कर अपनी बातों को लोगों तक पहुँचाना शुरू किया। 1837 में उर्दू भाषा अंग्रेजी के साथ उपमहाद्वीपीय की आधिकारिक भाषा बन गई। इसी दौरान मिर्जा गालिब और आलमा इकबाल जैसी कई दिग्गज उर्दू कवियों ने अपनी रचनाओं में इसे और भी लोकप्रिय बना दिया। मुस्लिम छात्रों को आकर्षित करने के लिए अंग्रेजों ने इसे सरकारी संस्थानों में पढ़ाना शुरू किया। हालांकि आर्य समाज ने फारसी अरबी लिपि के उपयोग का विशेष विरोध किया। इसी दौरान उर्दू को अन्य भाषाओं और खास करके हिंदी से अलग करने की आवश्यकता महसूस भी की गई और तभी से हिंदी उर्दू विवाद शुरू हो गया। खारी बोली देवनागरी भारतीयों की पहचान बनी, जबकि उर्दू और फारसी मुसलमानों की। जब पाकिस्तान का निर्माण हुआ तो उर्दू को उसने अपना राष्ट्रीय भाषा चुना। वर्तमान में उर्दू पाकिस्तान की राष्ट्रीय भाषा है, जिसे बहुसंख्यक आबादी अच्छी तरह से बोलती और समझती भी है। उर्दू के लिए सबसे अच्छी बात तो यह है कि उसमें लचीलापन है और वह दूसरी भाषाओं के शब्दों को समाहित करने में सक्षम है। यही कारण है कि उर्दू आज लोकप्रिय भाषा बन गई है। जिसके अलावा उर्दू का इस्तेमाल शेरो शायरी में भी खूब किया जाता है। वर्तमान में भारत में अगर देखें तो उर्दू हमारी संस्कृति और भाषा विज्ञान का एक अभिन्न हिस्सा है। देश के कई हिस्सों में, खासकर उत्तर भारत में, यह बेहद लोकप्रिय है। जम्मू कश्मीर, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में उर्दू राजभाषा के रूप में प्रयोग होती है। उत्तर प्रदेश के कई शहरों में उर्दू का बोलबाला दिखाई देता है, जिसमें रामपुर, अलीगढ़, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, लखनऊ शामिल है। इतना ही नहीं, भारत और पाकिस्तान के अलावा यूएई, ब्रिटेन, कनाडा, सऊदी अरब सहित कई अन्य देशों में उर्दू बोलने वालों की संख्या अच्छी खासी है। बॉलीवुड संगीत में भी उर्दू का बोलबाला रहा है, जिसके कारण इसकी लोकप्रियता में बढ़ोतरी देखने को मिली है। आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में ऐसी ही एक और जानकारी के साथ हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।
अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।